अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इंतज़ार ख़त्म हुआ, कुर्लुस उस्मान सीज़न 2 का पहला ट्रेलर आ गया है, जिसमें उस्मान अपने कबीले वालों को अपने दुश्मनों के हवाले से और अपने कबीले में मौजूद गद्दारों के हवाले से बात कर रहा है और कह रहा है कि अब हमें इनके साथ जंग शुरू कर देनी चाहिए और अपनी रियासत के क़याम के बारे में भी बात करता है। इसके क्या अल्फाज हैं हम आपको बताते हैं। उस्मान गाजी घोड़े पर बैठ कर अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहता है कि मेरे जांबाजों, मेरे कबीले के सरदारों, मेरे नौजवानों, बहुत अरसे से हमारे दुश्मन वैशी हो चुके हैं और गद्दार जुल्म पर उतर आए हैं और जिन्हें हम अपना दोस्त समझते थे वो खामोशी पर उतर आए हैं। नाज़रीन, जहां उस्मान गाजी अपने कबीले में मौजूद गद्दारों के बारे में बोल रहा है जो कि हाजिल और उसका भाई हो सकते हैं, जो कि दुश्मन मंगोलों के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए उस्मान आगे कहता है कि हमें ना कोई गम है, ना कोई परेशानी, ना कोई उदासी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारा रब ही काफ़ी है, हमारा ईमान ही काफ़ी है और हमारे लिए हमारी जसारत ही काफ़ी है। अब वक्त आ गया है हम जालिम दुश्मनों और गद्दारों का सर तन से जुदा कर दें। अब वक्त आ गया है कि हम शहादत का जाम पिएं और शेर की दाढ़ से एक नए दौर का आगाज़ करें। तो नाज़रीन, यही वो वक्त होगा जब सल्तनत उस्मानिया का दौर शुरू होगा। इसके बाद उस्मान कहता है अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मिल्लत की बका के लिए, मजलूमों की बका के लिए एक रियासत का क्याम रखें। इस पर उस्मान गाजी अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए पूछता है क्या एक रियासत के क्याम के लिए आप मेरे साथ हो? तो इस पर सिपाही जवाब में कहते हैं अल्लाह की मदद से हम आपके साथ हैं। उस्मान गाजी दोबारा पूछता है क्या मेरे साथ हो? तो दोबारा भी उस्मान गाजी को वही जवाब मिलता है। नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फिर जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।